नमस्कार मित्रों, सादा भक्त ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विनम कक्षाष्टमी कृषि विज्ञान अध्याय 5 कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से पहला बिंदु आता है प्राकृतिक संसाधन। जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उन्हें हम प्राकृतिक साधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज आदि। प्राकृतिक संसाधनों के वर्ग या भाग मुख्य दो वर्ग हैं। पहला है अच्छे प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है समाप्त होने वाले संसाधन। पहला आता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा इनका उपयोग करने पर भी समाप्त नहीं होते हैं। मैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। दूसरा है समाप्त होने वाले
Sí. Un sábado. वर्षों के नाम लिए प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा लिखिए। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण के लिए नोस्टो एक नमस्ते अध्यक्ष करें और गरीब कार्यों को पूर्ण करें। धन्यवाद।